Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this we will talk about the CMAT exam pattern and उसके अंदर jumps होती ही नहीं होती है, उसके section cut off होती ही नहीं होती है and कितने questions कितने marks के होते हैं and all that stuff. So let's start. So CMAT exam की अगर मैं बात करूँ, this एग्जाम हैपन्स इन टू शिफ्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है इसकी, इवनिंग शिफ्ट होती है, या फिर आप कह लो आफ्टरनून शिफ्ट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. एंड इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, सो इफ आई टॉक अबाउट द टोटल क्वेश्चंस दैट विल बी समवेयर अराउंड 100, ऑल राइट. एंड अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी नेगेटिव आंसर, ऑल राइट. सो इन टोटल अगर आप देखो तो कितने मार्क्स का हो गया ये एग्जाम आपका, समवेयर अराउंड 400 मार्किंग, ठीक है. आपको 400 में से स्कोरिंग आती है, ऑल राइट. टाइम कितना मिलता है, 3 आवर्स. एंड टू बी ऑनेस्ट, जितने भी स्टूडेंट देते हैं, जो पढ़ के जा रहे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं, दे ऑलवेज से दैट थिंग कि टाइम इज इनफ, ओके. सो कोई टफ नहीं होता एग्जाम, ऑल राइट. जितने टाइम में आपको मतलब 3 घंटे मिले, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कर सकते हो. एंड इसके अंदर समवेयर अराउंड गुड स्कोर विल बी ऑलवेज बेटर देन लाइक 250 से जिसके ज़्यादा आएंगे, आई ऑलवेज से कि वो अच्छा स्कोर है. ऑल राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसके अंदर जंप अलाउड है कि नहीं, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन कितने होते हैं पहले वो देख लीजिए. सेक्शन होते हैं आपके, एक क्वांट सेक्शन होता है, क्वांट एंड DI आप कह दीजिए, ठीक है. एंड फिर एक LR का सेक्शन होता है, फिर एक होता है आपका वर्बल सेक्शन, फिर एक होता है आपका जनरल अवेयरनेस, जो GK सेक्शन, ठीक है. ये 4 सेक्शन होते हैं, वैसे इसको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं इन CMAT एग्जाम, ऑल राइट. 4 सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, 25, 25, 25 एंड 25. इनमें क्या क्या आता है वो बताता हूँ डीप डाउन करके. अभी टोटल हो जाता है आपका 100, हर एक क्वेश्चन को सही करने का 4 मार्क्स, गलत करने पे -1, टोटल मार्किंग इसमें से आती है. अच्छा स्कोर होता है 250 के प्लस. 100% चाहिए तो यू नीड समवेयर अराउंड मोर देन 320 या 325 के अब भी चले जाता है. एक बार 350 के अब भी गया था 100, ऑल राइट. बाकी आप 250 के प्लस ऊपर जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज की कॉल आ जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट कि इसके अंदर जंप है कि नहीं, क्योंकि आप जैसे क्वांट एंड DI कर रहे हो, आपका मन कर रहा है कि LR करना है, आपका मन कर रहा है कि आपको वी वर्बल सेक्शन करना है, आपका मन कर रहा है कि आपको GK करनी, यू कैन डू दैट. सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपके पास ऑप्शन रहेगा ऊपर, आप कोई भी सेक्शन में जंप कर सकते हो किसी भी समय, ऑल राइट. एंड इसके अंदर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, सो नो सेक्शनल कट ऑफ. सो फॉर एग्जाम्पल आपने GK करी, GK आपकी बहुत ही बुरी गई, लेट से आप सिर्फ इसमें स्कोर कर रहे हो 5, बाकी सारे में आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि इसमें कट ऑफ क्या 6 होती है सही करने की या 7 होती है, कोई कट ऑफ होती नहीं है, किसी भी सेक्शन की कोई कट ऑफ नहीं है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ऑल राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट कि हर एक सेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है, तो मैं वो बता देता हूँ. वी विल स्टार्ट विद दी स्टार्ट विद LR, ओके. इन दी LR मोस्टली जो आपका आता है वो आपका है पजल्स और अरेंजमेंट्स. पजल्स के अंदर जैसे कि आप रैंकिंग कह लीजिए, ठीक है, वैसे वाले क्वेजेस, और अरेंजमेंट्स के अंदर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट, उसके क्वेश्चंस आते हैं. एंड ये कितने हो जाते हैं, समवेयर अराउंड 14. तो आपको सबसे ज़्यादा इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. इसके अंदर स्कोर करना है LR सेक्शन के अंदर, तो प्लीज़ प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन डू इन दी पजल्स एंड द अरेंजमेंट्स, ऑल राइट. उसके बाद आपका सारा ये ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, फिर सिलॉग्स हो जाएंगे, ठीक है, सिलॉग्स हो गए. एंड दी फिर आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ऑल राइट. एंड द मिसिंग टर्म्स, ऑल राइट. तो इसके आपके आ जाएंगे समवेयर अराउंड 1 or 2 questions, इसके भी 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 1 or 2 questions, एंड प्लस मैथमेटिकल क्वेश्चंस, जैसे कि मेरी एज इतनी है तो मेरे पापा की एज कितनी होगी, इसकी रेशियो दी होगी, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. तो वो काफ़ी ईजी रहते हैं, बट मेजरली चंक इसमें ये है, ठीक है. तो जो जो चीज़ चंक है हर सेक्शन में आपको मिलेगी, इस एग्ज़ाम की ये ब्यूटी है, हर आपको ये चंक दे देता है कि हाँ इतना अगर आपने पढ़ लिया तो इस सेक्शन के अंदर आप मोस्ट ऑफ द 50% सेक्शन आप कर पाओगे इजीली, ऑल राइट. नाउ द LR इज डन. LR के बाद आपका आता है वी विल गो विद द GK1, ओके. नाउ इन द GK सेक्शन
बहुत छोटा सा ये, क्योंकि इसके अंदर सिंपल आपके करंट अफेयर्स आते हैं या फिर स्टैटिक जी के आती है। स्टैटिक जी के अंदर मैं बता देता हूँ हिस्ट्री एंड योर ज्योग्राफी एंड योर पॉलिटी। ऑल राइट, सो हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी के ऊपर आता है ज़्यादातर। एंड यू कैन चेक योर वेबसाइट learnforexam.com। ऑल राइट, वहाँ पर आपको ये जीके का कोर्स मिल जाएगा, दैट इज़ जस्ट ₹100 आई गेस सो। ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर सारी आपको करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो मिल जाएंगी, स्टैटिक के ऊपर सारी PDFs मिल जाएंगी, आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने ले भी लिया है सीमेट जी के कोर्स, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। बाकी अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ठीक है, उसकी लाइव क्लासेस की प्रैक्टिस सेशन हमारे अभी चल रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज द वर्बल। वर्बल सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो क्या आता है मेजरली, मेजरली इज द RC। RC के अंदर आपके आएंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आर फ्रॉम RC एंड टोटल कितने होते हैं 25, सब में 25 होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ब्रेकअप इसके अंदर मेजरली सेटिक पार्ट आ जाता है ज़्यादा, करंट अफेयर थोड़ा कम, बट वट आई एम गेसिंग दिस ईयर इज कि शायद करंट अफेयर्स ज़्यादा आएंगे। ठीक है, जितना मुझे लगता है, क्योंकि सारे एग्जाम्स से करंट अफेयर आने लग गया, अब हर कोई करंट अफेयर्स की ज़्यादा तरफ हो गया, तो आई एम होपिंग कि इस बार ही करंट अफेयर्स में ज़्यादा आएगा। ठीक है, ना वर्बल के अंदर बात करूँ 15 क्वेश्चन, 25 में 15 क्वेश्चन RC में आते हैं। ठीक है, देन आपकी वो कैब के आपके 2 से 3 क्वेश्चन, देन इज़ योर PJs के आपके आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, देन इज़ योर ग्रामर के आपके आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, ग्रामर वही सिंपल, बहुत ही यही सारा एग्ज़ाम का जो लेवल है इस मीडियम, ईजी टू मीडियम, ओके, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बहुत ही रेयर आपको कोई क्वेश्चन दिखेगा। इसके अंदर अगर स्कोर करना है तो यू हैव टू बी गुड इन RC। ऑल राइट, बाकी वो कैब आप इतने कम दिनों में नहीं कर सकते हो। PJs जो हैं वो ईजी आते हैं, एज नॉट लाइक आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा समथिंग लाइक दैट, वो बहुत ईजी होंगे। NMAT जैसे हैं वैसे इसमें आते हैं। ठीक है, ग्रामर अगेन ईजी थिंग, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू क्रैक, ओके, ग्रामर इज ईजी। ऑल राइट, नाउ इन द लास्ट वी विल टॉक अबाउट द क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में क्या क्या आता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें, मैं एक टिप दूंगा, अगर आपने क्वांट में स्कोर कर लिया देन यू कैन क्रैक द एग्जाम, अदरवाइज सबसे ज़्यादा पहला, अब तो नहीं आता सबका रिजल्ट, पहले इकट्ठा आता था सबका रिजल्ट, मतलब वो एक लिस्ट देते थे, अपना नाम डालो और अपना रिजल्ट देखो, ऐसा होता था। बट अब तो लास्ट ईयर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब स्कोर का डाले अलग इंडिविजुअल को देना शुरू कर दिया, तो उसमें साफ दिखता था, मतलब स्टूडेंट का जो स्कोर गिरता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांट की वजह से ही गिरता है। ठीक है, मेजरली सबकी जो परसेंटेज नीचे आती है वो क्वांट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्वांट में बहुत खींच जाते हैं। ठीक है, जो कैट वाले हैं या फिर जो भी एग्जाम वाले हैं। ठीक है, नाउ अब क्वांट के अंदर और DI ये दोनों आती हैं, सबसे पहले तो ध्यान रखो DI कितनी आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में डर जाते हैं DI नहीं करी, DI करनी है, ये कैसी आती है, DI होगी कैसे, इट्स वेरी सिंपल, DI इज ऑफ आई विल से समवेयर ऑन 1 or 2 क्वेश्चन ओनली। ठीक है, 1 or 2 क्वेश्चन, दैट्स इट। तो DI के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, थोड़ी सी भी करोगे चलेगा। ठीक है, 1-2 सेट कर लो, बहुत है, DI पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं जो पैटर्न चलता आ रहा है एग्जाम का। ओके, नाउ इसके अंदर मेजर फोकस एरिया क्या है आपका, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर मैं सारा बोल रहा हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियोज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, परसेंटेजेस भी हो गया। ठीक है, रेशियोज भी हो गया, सो उसके आपको समवेयर अराउंड 11-12 क्वेश्चन मिलेंगे। देन आपका नंबर सिस्टम आ गया, नंबर सिस्टम के आपको समवेयर अराउंड यू विल गेट आई विल से 3 or 4 क्वेश्चन। देन ज्योमेट्री आपकी हो जाती है, अगेन 3 or 4 क्वेश्चन, इसके अंदर आप 4 to 5 कह सकते हैं, 3 to 4 4 to 5। ओके, ज्योमेट्री हो गई, ये इतना पोर्शन अगर आपने कर लिया, पूरा अर्थमेटिक में गिनता हूँ मैं, ठीक है, अगर इतना पोर्शन कर लिया आपने, गुड टू गो, आपके 50% चांसेस हैं क्वांट को क्लियर करने के। आपने सबसे ज़्यादा लाइक 25 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन करके 12+4 16 भी कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, बाकी ज्योमेट्री हो गई एंड रेस्ट इज़ योर एक एलजेब्रा के आ जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन एंड बाकी बेसिक मैथ्स, ये तो हर कोई कर ही देता है, बेसिक मैथ्स इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन जो स्कोरिंग करने के लिए होते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, सो बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे आपके समवेयर अराउंड 3 to 4, जो हर कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट करता ही है एग्जाम में। ऑल राइट, सो दिस इज द ब्रेकअप काइंड ऑफ थिंग। ऑल राइट, एंड बाकी इसके ऊपर कैसे इसको क्रैक करना है, हर एक आई विल से भी हर एक सेक्शन के अंदर कैसे आप और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द एग्जाम, वो वीडियोस अभी जल्दी ही डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट।
सो थैंक यू वेरी मच एंड हिट द लाइक बटन इफ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड टू चेक मोर कोर्सेज. हम MBA 2019 का कोर्स भी बहुत जल्दी लाइक नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने वाले हैं फेब्रवरी से, ठीक है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल यू कैन चेक अवर वेबसाइट learnforexam.com, वहाँ पे जाके आप कोर्सेज चेक कर सकते हैं. अगर आपको CMAT का भी चाहिए, CMAT GK का भी चाहिए, वो भी अवेलेबल है. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड दिस शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू हियर. थैंक यू, बाय बाय. What I'm about to do, show.